दोस्तों नमस्कार, मैं शोभा राम FTJ YouTube चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपको लेके आए हैं नदी के किछार में, जो रेता में खेती होती है, तो यहाँ पे दिखाते हैं आपको किस तरह से कद्दू की खेती हुई है। ये किसान सुखलाल यादव जी का खेत है, तो अभी उनसे भी परिचय कराते हैं आपका। देखिए क्या कैसे करते हैं। ये जो है कद्दू की खेती है नदी के किछार पे। देखिए एक पौधे में किस तरह से ये फल आया हुआ है और इस तरह से ये फल लगे हुए हैं, लेकिन अभी ये फल रुक नहीं रहे। इसका कारण ये है कि जब तक इसमें नर फूल नहीं आएगा, खिलेगा, तब तक ये फल नहीं रुकते हैं। ये है नर फूल। ये अब इसमें इस तरह से फसल दिख रही है। ये नदी की किछार का एरिया है, पूरा का पूरा एरिया कद्दू लगा हुआ है। यहाँ पे कई किसान भाई लगाए हैं। ये जो है शुरुआत में अभी किसान भाई से बात कराते हैं कि कैसे गड्ढा खोदते हैं, क्या क्या करते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम। तो ये आपका कद्दू है? हाँ। इसमें कैसे गड्ढा खोदते हैं? फरुहा से गड्ढा खोदते हैं। फावड़े से लगभग 1.5 फीट गहरा, 1.5 से 2 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं। फिर उसमें क्या क्या मिलाते हैं? उसमें गोबर की खाद जी, जाइन जी, इसे मिला के उसे पाट देते हैं। उसको पाट देते हैं, फिर उसके बाद बीज बोते हैं। कितना बीज डालते हैं एक पौधे पे? एक पौधे पर 3 बीज। 3 बीज पड़ता है। और ये लगभग कब का बोया हुआ है? ये लगभग महीना हो गया, 10वां महीना। 10वें महीने, 10वें महीने में इसको बीज बोए थे। और अभी लगभग हमें लग रहा है करीब 10 से 15 दिन बाद ये जो है फल टूटेगा, यानी अक्टूबर महीने में इसकी बुआई होती है और लास्ट मार्च या 1 अप्रैल तक जो है आप मार्केट में पहुंचते हैं। इस समय लगभग क्या रेट चल रहा है कद्दू का? कद्दू इस समय रेट चल रहा है 35-40 रुपया। यह रेट का 35 से 40 रुपए किलो चल रहा है, यानी मान लीजिए थोड़ा बहुत गिर जाएगा तब भी लग रहा है इस बार सब्जी का रेट ठीक ठाक रहेगा। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। तो इस तरह से किसान भाइयों को आगे दिखाते रहिए। तो आप जो है FTJ चैनल का नाम सुने हैं नहीं? चलिए आप FTJ YouTube चैनल पे सर्च करिएगा और उस पर आप FTJ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में उससे जुड़िए, तो आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी और आपकी फसल की भी उस पर वीडियो और जानकारी जो भी आप दिए हैं ये दूसरे किसानों तक पहुंचेगी। आपका FTJ YouTube चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।